अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत रखे, अपने सामान में रखे, आमीन। आज की वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारे से ड्रेस डिजाइनिंग के डिटेलिंग के आइडिया सिलेक्शन, जो कि मैं एक एक चीज आपको क्लियर करके दिखाऊंगी। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि हमें डिटेलिंग वीडियो दिखाएं, जितना पहले समझा के बताती थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके स्लीव में सेंटर में स्लिट ओपन है जो आपको नजर आ रहा है, जहाँ ये मेरा मार्क जा रहा है ये आपको देखें। और इसमें छोटे छोटे से ये बीट्स टाइप के लगे हुए हैं, पर्ल्स लूप्स के साथ लगे हुए हैं। बटन्स लगा लें आप, पर्ल्स लगा लें, कोई भी चीज आप लगा सकते हैं। देखिए आप लोगों को नजर आ रही, ये पर्ल्स हैं और लूप्स के साथ लगे हुए हैं। ये स्लिट ओपन है नीचे से थोड़ा सा, ये देखिए आगे से फ्रंट का थोड़ा सा ये वाला इतना स्लिट ओपन छोड़ रखा है, जहाँ पर आपको डॉट नजर आ रहे हैं। प्रिंटेड फैब्रिक कह सकते हैं इसको आप, सिर्फ फैब्रिक पे बना हुआ है। इसका नेकलाइन देख सकते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। इन डिजाइनिंग का नेकलाइन देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है। और ये नेकलाइन जब भी बनवाएं तो थोड़ा छोटा बनवाएं, क्योंकि इसकी कट्स की वजह से ये बहुत ज्यादा डीप हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। इसका नेकलाइन आप ये किसी भी फैब्रिक पे बनवा सकते हैं, लॉन, कॉटन, लीलन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पैनल में, जो पैनल में आपको एक लैस नजर आ रही है, कुरेशिया लैस। ये आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा आई हुई है डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट साइजेस में, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। नेकलाइन में ये ट्राइंगल बने हुए हैं, सेंटर में जो है पिनटेक देखे फैब्रिक यूज हुआ हुआ है। इसकी स्लीव डिजाइनिंग भी देख लें आप, सेंटर में एक ज्वाइंट लैस है, दो पिनटेक इस तरफ है और दो पिनटेक भी इस तरफ है। आप बॉक्स प्लेट भी देना चाहें तो वो दे सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है इस डिजाइन का। कितना प्यारा लग रहा है डिजाइन। और ये आप किसी भी कलर में बना सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ये प्रिंटेड फैब्रिक में देखिए, अच्छा फ्लावर्स में ऑरेंज कलर था तो इसलिए इसमें ऑरेंज कलर की डिटेलिंग ज्यादा हुई है। जैसे कि पट्टी पर गला, पट्टी वाला जो बैन वाला गला बना हुआ है, उस पर ट्राइंगल्स लगे हुए हैं वाले ऑरेंज कलर के। ऑरेंज कलर के ही मिरर वर्क के बटन लगे हुए हैं। यहाँ पर आप जोड़ आ जाए कहीं पर आपकी स्लीव में, लेंथ कम पड़ जाए और आपको फुल स्लीव पहनना पसंद हो, तो आप इस तरह से ये जोड़ लगवा कर इसमें इस तरह से डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। नहीं तो ज्वाइंट लैस लगा सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आजकल हर चीज का फैशन है, तो कोई भी चीज ये ना समझा करें कि नहीं इसका फैशन नहीं हो गया क्या। ये है फोर्थ ड्रेस। इसकी स्लीव में आप देखें एक बारीक सी लैस लगी हुई है, और सेम वैसे ही दूसरे कलर की भी लैस लगी हुई है, ये ब्लू और ये रेड। सेंटर में ये पिनटेक्स टाइप की डली हुई है, ये थोड़ी सी उभरी हुई लगी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा अब ये लैस है ये क्या है, लेकिन खैर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके नेकलाइन में आप देखें बटन लगे हुए करीब करीब पट्टी पर, और नीचे फैब्रिक यूज हुआ हुआ है ऑरेंज और रेड कलर का। प्रिंटेड टू पीस ड्रेस है ये। और इसके अलावा इसकी डिटेलिंग देखें, इसमें लैसेस लगी हुई है, इसमें शोल्डर स्टाइल में भी लैस लगी हुई है, यहाँ पर शोल्डर पर डबल लाइन, सेंटर में लगी हुई है पट्टी पर जो ओपन स्लीट वाला गला बनता है बैन वाला उसमें, और इसके अंदर व्हाइट कलर की लैस ये स्लीव पर भी लगी हुई है, एक इधर लगी हुई है, दो लाइन इधर लगी है सेम इस तरह, एक यहाँ पर दो इधर, तो आप देख सकते हैं। आप चाहें तो बॉर्डर लाइन में भी ऐड कर सकते हैं। प्रिंटेड पर कोशिश करें ऐसी लैस लगाएं, या तो व्हाइट हो या फिर उसमें जो कलर बहुत ज्यादा एनहेंस कर रहा हो, जैसे इसमें अगर इसमें डार्क शॉकिंग कलर की लैस रखती वो बहुत प्यारी नजर आती सामने से, क्योंकि कलर्स का बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, तो सॉफ्ट कलर से थोड़े ब्राइट कलर लगाएं। जैसे कि ये देखें अगर इस पर सेम लेस पे लगी हुई होती ना तो भी अच्छी लगती, लेकिन व्हाइट का कॉम्बिनेशन हुआ हुआ है तो आप देख सकते हैं नीचे कट्स वर्क बना हुआ है, पिनटेक्स चली हुई है स्लीव में, कट्स बने हुए हैं, और ये रेब में शटर लैस लगी हुई है, नेकलाइन में भी शटर लैस यूज हुई हुई है। आप चाहें तो स्किन नेकलाइन में सेंटर में बटन, बटन पट्टी, पर्ल्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं। टसल्स ट्राउजर्स में भी सेम वही कट्स बने हुए जो स्लीव में और बॉर्डर लाइन में बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ये आप देख सकते हैं इसमें फुल साइड का स्लिट ओपन है, सिर्फ साइड के स्लिट में ओपन में डोरी पाइपिंग में भी, और साथ में डार्क शॉकिंग कलर के बटन लगे हुए हैं जो पोर्टली बटन मिलते हैं वो। आप इसमें ये देखें इसका लाइट पर्पल कलर है, लेकिन इसमें डार्क पर्पल कलर के फूल हैं जो उसकी पाइपिंग डोरी हुई भी है, और जो शॉकिंग कलर है ब्राइट शॉकिंग उस कलर के जो है ये डोरी वाले बटन लगे हुए हैं। इसी तरह इनर भी जो दुपट्टे पे चारों तरफ लगा हुआ है पर्पल कलर का है, तो आप लोग
इस तरह से डिटेलिंग किया करें जो आपको कलर अच्छा लग रहा हो अपने ड्रेस में, उसको ब्राइट कलर जो हो उसमें सबसे, उसके बटन है वो जैसी चीज यूज करें ताकि वो कलर भी जो है नजर आए, शो हो। और यहाँ पर आप इसके स्लीव का डिजाइन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्लीव का डिजाइन बहुत प्यारा है, सिर्फ 3/4 स्लीव में ये डिजाइन बना हुआ है, मतलब के फुल स्लीव में डिजाइनिंग नहीं है, सिर्फ नीचे नीचे वाले पार्ट पर है। सेम वैसे ही ट्राउजर पे डिजाइनिंग है और बहुत ही प्यारी लगते ही है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।